आज की वीडियो में हम दिखाएंगे आपको दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज, हवा में परिंदों की तरह उड़ने का इंसान का सपना सच करते हवाई जहाज किसी करिश्मे से कम नहीं। ये करिश्मा सन 1905 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने सच करके दिखा दिया था। तब से अब तक विमान बनाने की तकनीक और डिजाइन में कई बदलाव और सुधार हुए हैं। वहीं दुनिया भर की एरोस्पेस कंपनीज ऐसे विमान बनाने की होड़ में भी पीछे नहीं है, जिन्हें देखकर कोई भी इंसान अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाए। इसी तर्ज पर हम हाजिर हैं लेकर दुनिया के सबसे बड़े प्लेन पर आधारित ये वीडियो। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। स्ट्रैटो लॉन्च, ये है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज। स्ट्रैटो लॉन्च अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भरने के करीब है। 28 पहियों वाले इस प्लेन में 6 इंजन लगे हैं, जो सभी बोइंग 747 एयरक्राफ्ट के हैं। 2 कॉकपिट वाले इस प्लेन की ऊंचाई लगभग 50 फीट है। इसका विंग स्पैन अब तक के किसी भी एयरक्राफ्ट से लंबा है, जो करीब 385 फीट तक फैला हुआ है। इस एयरक्राफ्ट का वजन 2.25 लाख किलोग्राम है। इसे 1.3 मिलियन पाउंड तक वजन के साथ उड़ान भरने के लिहाज से तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक पॉल एलन ने जून 2018 में ये प्लेन दुनिया के सामने पेश किया था। एलन की एरोस्पेस कंपनी स्ट्रैटो लॉन्च सिस्टम्स ने ही इस विमान को बनाया है। स्ट्रैटो लॉन्च एक एयरक्राफ्ट है, जिसे 2 हिस्सों में बटे एयरक्राफ्ट की बॉडी के बीच रॉकेट ले जाने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। ये प्लेन हॉवर्ड ह्यूजेस के H-4 हर्क्यूलिस और सोवियत दौर के कार्गो प्लेन एंटोनोव N-225 से भी बड़ा है। ये प्लेन एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लॉन्च व्हीकल गिराएगा, जो अपने बूस्टर फायर कर हवा से ही स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ये तरीका काफी सस्ता, सटीक और तेज रफ्तार साबित होगा। अब तक पारंपरिक तौर पर सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड से ही लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें काफी मात्रा में फ्यूल लगता है। इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन ऐसे तैयार किया गया है कि जो 2 हिस्सों में बटे अपनी बॉडी के बीच रॉकेट रखकर एटमॉस्फेयर के करीब ले जाने में सक्षम है। इससे जल्द ही स्पेस में छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी भी है। इसके लिए प्लेन बनाने वाली फर्म ने एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म ऑर्बिटल ATK के साथ पिछले साल डील साइन की है। 2011 में शुरुआती तौर पर इसकी अनुमानित लागत लगभग $300 मिलियन बताई गई थी। इस प्लेन के ऑपरेशन में आने पर बहुत से ऐसे देश और कंपनीज हैं जो अपनी खुद की सैटेलाइट स्पेस में भेजने का सपना सच कर सकती हैं, जो इनके लिए पहले भारी भरकम खर्च के चलते मुमकिन नहीं था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।